सब्सक्राइब करें एम्पिलीशियस ब्यूटी यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को रोज़ाना इसके अपडेट्स पाने के लिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कि इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ एमपी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक अनरेडी विद मी वीडियो, गेट अनरेडी विद मी, क्योंकि अभी मैं बाहर थी और थोड़ा बहुत मैंने मेकअप भी किया हुआ है मेरे चैनल पर। और यार, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है यहाँ दिल्ली में, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, फ़ैन भी मैंने बंद किया हुआ है और एसी की हवा यहाँ तक बिल्कुल नहीं आ पा रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा। सो कोई बात नहीं, अब गर्मी तो रहेगी और वीडियोस भी बनानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं अपना जो है मेकअप, सबसे पहले तो मैं रिमूव करूँगी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अपना मेकअप जो है रिमूव ज़रूर कीजिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। मेकअप रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर वेट टिश्यू यूज़ करूँगी और यूज़ करूँगी गार्नियर का माइसेलर वाटर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस लो एक वेट टिश्यू और उसे थोड़ा सा और वेट करो माइसेलर वाटर से। हाँ, मैं इसे ऐसे ही वेस्ट करती रहती हूँ। और इसे लगाओ अपने चेहरे पर कुछ इस तरीके से। और स्वाइप कर दो। ऐसा नहीं है कि मेरा मेकअप नहीं निकला है, टडा, यहाँ पर आप देख सकते हो मेकअप निकल गया है थोड़ा सा। हाँ, लिपस्टिक जो है वो नहीं उतरी है, जो कि एक अच्छी बात भी है। और मैं इसे थोड़ा इस तरीके से रिमूव कर लेती हूँ। चलो, यार वैसे देखा जाए तो मेकअप के बिना लड़कियाँ हम ज़्यादा सुंदर लगती हैं, राइट? लेकिन हम फिर भी नहीं सुधरती, हमें मेकअप लगाना ही लगाना है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती यार। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो कि मेरे आई का मेकअप अभी तक थोड़ा बहुत है और मेरी लिपस्टिक तो बिल्कुल ही नहीं उतरी, इसलिए मैं ऑयल बेस्ड यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ मेकअप रिमूवर। यह है प्रिटी वुमेन का मेकअप रिमूवर बाम और इसे मैं इतना ख़त्म कर चुकी हूँ गाइज, इसकी खुशबू वाह, मतलब बहुत ही अच्छी वाली है इसकी खुशबू। और इसे मैं थोड़ा सा लूँगी और अपने पाम पर, सबसे पहले तो इसे अच्छे से मसाज करेंगे हम। और आप देखिएगा मेरी लिपस्टिक उतर जाएगी क्योंकि ये ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर है। और अब हम वेस्ट करेंगे एक और वेट टिश्यू क्योंकि फेस को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट टिश्यू तो हम और भी ज्यादा ले लेंगे लेकिन स्किन एक बार खराब हो गई ना तो वो नहीं मिलेगी भैया। नेक को क्लीन करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि हम नेक पर जो है मेकअप लगा लेते हैं लेकिन उसे हटाना बिल्कुल भूल जाते हैं। वाह, मतलब मुझे मेरी स्किन बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती है। आई नो परफेक्ट नहीं है, डार्क सर्कल्स हैं, थोड़ी सी पिगमेंटेशन भी है, बट स्टिल आई लव माई स्किन विदाउट मेकअप। तो दोस्तों, अभी मैंने शावर ले लिया है और अभी मैं वॉइस ओवर करूँगी, वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी तेज़ म्यूज़िक चला रखा था, इसलिए अभी मैं वॉइस ओवर ही करूँगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले अभी फ़ेस वॉश कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैंने फ़ेस वॉश अच्छे से नहीं किया था नहाते वक्त। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं वाओ का फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, रिसेंटली मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है और इसका जो है रिव्यू वीडियो भी आ चुका है, इसका उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा फेस को गीला करने के लिए मैंने टोनर का इस्तेमाल किया था, आप पानी का इस्तेमाल ही कीजिए। यहाँ पर मैं अपने बेडरूम में हूँ, वॉशरूम में नहीं हूँ, इसीलिए मैंने टोनर का इस्तेमाल किया। और अभी मैं अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लूँगी। अभी मैंने अभी ऑयल बेस वाला मेकअप रिमूवर यूज़ किया था इसलिए मुझे अच्छे से क्लीन करना था ताकि मेरे फेस पर कोई भी मेकअप या ऑयल वगैरह ना रह जाए, इसलिए अच्छे से मैं अपने फेस को स्क्रब भी कर लूँगी और अच्छे से वॉश भी कर लूँगी। और अभी बारी आती है फेस स्क्रब करने की, यहाँ पर मैं बायो पपाया का स्क्रब जो है वो यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट वाला स्क्रब है और इसका जो है मैंने रिव्यू वीडियो काफ़ी पहले किया हुआ है मेरे चैनल पर, आप चेकआउट भी कर लेना। और इसका थोड़ा सा ही अमाउंट मैं लूँगी अपने फेस पर और इसे अच्छे से अपने
जेंटली मसाज कर लूँगी अपने फेस पर। और इसके जो पार्टिकल्स हैं ना गाइस, स्क्रबिंग पार्टिकल्स, वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल हैं। जब आप स्क्रब करें तो इतना ध्यान में ज़रूर रखें कि आपका फेस जो है वो थोड़ा सा वेट होना चाहिए। और अगर स्क्रब करते करते भी अगर आपका फेस ड्राई हो जाता है तो आप थोड़ा सा उसे गीला और कर लें, ताकि आपकी जो स्किन है वो परेशान ना हो। इसलिए आप अच्छे से स्क्रब कीजिए। और अपने लिप्स और अपने नेक को बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर मैं नेक पर नहीं कर रही अभी इस वक्त, क्योंकि मैं अभी बेडरूम में हूँ और मैं नहा चुकी हूँ, इसीलिए मेरे कपड़े गंदे ना हों। अभी मैं अपने नेक को अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन आप ये गलत। और अपने लिप्स को ना बिल्कुल मत भूलना स्क्रब करना, क्योंकि हमारे लिप्स पर भी जो डेड स्किन है वो जमा हो जाती है, और जिसे हमें रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब मैं यूज़ करूँगी टोनर जो कि डॉम डॉग का है। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में अपना एक पर्पल हॉल जो है शेयर किया था, मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, आप वो भी चेकआउट ज़रूर किया करना। और टोनर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे पोर्स को बंद करता है, उन्हें क्लीन करता है, और काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग एक फीलिंग आती है जब आप इसे यूज़ करते हो। आप चाहो तो कॉटन पर भी इसे लेकर के यूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हो आप। अब हम यूज़ कर लेंगे डॉम डॉग का सीरम। सीरम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए। आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर डॉम डॉग का यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट आप लीजिए, अपने पाम पर लीजिए और अच्छे से मसाज कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हो आपकी स्किन ऑयली है तो आपको सीरम नहीं लगाना चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। हर किसी स्किन टाइप को जो है सीरम ज़रूर से यूज़ करना चाहिए उनकी स्किन टाइप के हिसाब से। और जो तरीका मैं यहाँ पर बता रही हूँ सीरम यूज़ करने का, ठीक उसी तरीके से आप सीरम का इस्तेमाल कीजिए। अब बारी आती है हमारे मॉइस्चराइज़र की। मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, इसलिए मैं जेल बेस मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करूँगी। ये डॉम डॉग का मॉइस्चराइजिंग जेल है, और ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल है मेरी स्किन पर, इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। इसे मैं डॉटेड फॉर्म में लगाऊंगी, उसके बाद अच्छे से मेरी स्किन पर स्प्रेड कर लूँगी, अच्छे से मसाज कर लूँगी मेरी स्किन पर। अभी ये नाइट टाइम मैं आपको स्किन केयर बता रही हूँ, तो अभी मैं कोई भी सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप चाहें तो कोई भी अच्छा सा नाइट क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपकी स्किन टाइप को सूट करता है। चलो अब जल्दी से हम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कीन एसेंशियल का लिप बाम, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी मैं वादी का भी यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी ये वाला भी यूज़ कर लेती हूँ। और साथ ही साथ हमारे जो अंडर आई एरिया है उसे भी हमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं बायोटिक का सी वीड वाला जो अंडर आई जेल है वो यूज़ करूँगी। बस इसे आप अपनी इस फिंगर से अच्छे से हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए, क्योंकि ये वाली जो फिंगर होती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड होती है, इसलिए हमें हमेशा इसी फिंगर का इस्तेमाल करना चाहिए। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।